अजमेर शहर में विगत 18 अगस्त घटित मॉब लिंचिंग घटना पर आम मुस्लिम समाज ने जताया आक्रोश है। प्रकरण में दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मंगलवार को आम मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने प्रदेश के सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया है। उपखंड अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में आम मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने अजमेर में 18 अगस्त को घटित घटना का जिक्र करते हुए बताया कि अजमेर में अपने बच्चों के साथ भीख मांग कर अपना गुजर बसर करने वाले एहसान अली के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र पूर्वक मारपीट करते हुए आसपास के लोगों को उसके तथा उसके पुत्र के साथ मारपीट करने के लिए उकसाया। यही नहीं, भीड़ तथा आरोपियों ने दोनों पिता पुत्र को मुर्गा बनाकर पीटा और उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इस घटना के कारण मुस्लिम समुदाय में काफी रोष व्याप्त है। इससे पूर्व में भी प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार होती आ रही है। उक्त घटना होने के बाद अजमेर पुलिस का रवैया भी बहुत लापरवाही पूर्वक रहा। पुलिस ने सिर्फ परिवाद दर्ज किया और अपराधियों को 151 में आसानी से जमानत मिल गई। आम मुस्लिम समाज ने ज्ञापन के माध्यम से असामाजिक तत्वों तथा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में वसीम नागौरी, रियाज हुसैन, फिरोज आफ्ताब, फैजान इरशाद, इमरान फारूक मंसूरी, मोइन भाई मोहसिन तथा वाहिद कुरैशी आदि शामिल थे। में जो मोम लिंचिंग हुई एहसान अली के साथ, उसको लेकर हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एफआईआर सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उसके अंदर एहसान अली के साथ तो थोड़े बच्चे थे, जो बच्चे थे उनके साथ मारपीट की गई, जो असामाजिक तत्वों के द्वारा अजमेर के अंदर उनके साथ मोम लिंचिंग की गई। और ऐसी घटना आज आम हो चुकी है, प्रदेश के अंदर हर जगह देखने को मिल रही है, लेकिन ना तो प्रशासन उसकी सुध-बुध ले रहा है, ना ही सरकार इसकी सुध-बुध ले रही है। मॉब लिंचिंग आए दिन बढ़ती जा रही है, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत बटोरी जा रही है हर जिले में, हर शहर में, हर गांव के अंदर। हम चाहते हैं ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको सजा से जल्द सजा मिले। खुशखबरी खुशखबरी, खुल गई आपके शहर में जगदम्बा महिला सेवा संस्था ब्यावर, जिसमें आप पाएंगे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें अपने हुनर को पहचानने के लिए जगदम्बा महिला सिलाई साक्षरता मिशन के तहत सिलाई का कोर्स सीखिए, जिसमें सिलाई से संबंधित सारे कार्य उचित प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाए जाते हैं। इसी के अंतर्गत महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखे, जिसमें मेकअप करना, दुल्हन का मेकअप, फेशियल करना, इसी के साथ में मेहंदी के कोर्स के लिए भी, मेहंदी कैसे लगाएं, वे मेहंदी लगाने व सिखाने के लिए अनुभवी प्रशिक्षण के द्वारा 3 महीने का कोर्स सिखाया जाता है। तो आज ही इन कोर्स को सीखने के लिए अपना स्थान सुनिश्चित करवाएं। तो पता नोट करें, जगदम्बा महिला सेवा संस्था, एचएल पैलेस गार्डन के अंदर, चांचदार रोड ब्यावर, मोबाइल नंबर 7891774691, 9351211160।